मध्य प्रदेश कांग्रेस में कल का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी बड़ा रहा। काफी दिनों से अटकलें थी कि कमलनाथ कोई दो पद में से एक पद से इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात भी की और अंत में आलाकमान ने इस पर मोहर भी लगा दी। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया और पार्टी से 7 बार से ज्यादा के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। वहीं विधानसभा और कांग्रेस के नए चेहरे डॉक्टर गोविंद सिंह पद संभालते ही एक क्षण में दिख रहे हैं। ग्वालियर में जब गोविंद सिंह से मीडिया ने पूछा कि कांग्रेस के लिए सिंधिया चुनौती है, गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लिए सिंधिया कोई चुनौती नहीं है। गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया यदि कांग्रेस के लिए चुनौती होते तो वह एक साधारण कार्यकर्ता से 1.25 लाख वोट से चुनाव नहीं हारते। वहीं गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। मध्य प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है। प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार सहन नहीं करेगी। आपको बता दें कि गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया था और डॉक्टर गोविंद सिंह को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी थी। तब से ही गोविंद सिंह को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है।